बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क केक। तो उसके लिए हमने सबसे पहले डाला है, ये डेगचे में आधा ग्लास पानी डाला है। जिससे क्या होगा, मतलब हमारा दूध, हम इसमें ही दूध डालेंगे, इससे हमारा दूध लगेगा नहीं बिल्कुल भी। इसलिए हमने इसमें पहले आधा ग्लास पानी ऐड किया है। और अब हम डालेंगे इसमें हमारा 3 लीटर दूध। हम 3 लीटर दूध का बना रहे हैं। बिस्मिल्लाह, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, ये देखिए। बिस्मिल्लाह, तीन लीटर में तकरीबन 650 ग्राम तक मिल्क केक बन जाता है। तो ये हमारा दूध अभी हमने इसमें डाले, अभी हम इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये हम हिला ही रहे हैं, बॉईल आने तक इसे हमें हिलाते ही रहना है, पलटे से हमें हिलाते ही रहना है। हमें इसे बॉईल आने तक ऐसे ही अच्छे से हिलाना है। तो ये हमारा दूध अभी बॉईल हुआ है, ये देखिए बॉईल हो रहा है। इसे ऐसे ही बॉईल होने देना है मीडियम फ्लेम पे, और आधे से आधा करना है। और जैसे यहाँ पर जो मलाई लगेगी ना, वो हमें निकालनी है। इसे हमें अभी आधे से आधा करना है, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। मगर बीच बीच में आप पलटा मारते ही रहिए, मीडियम फ्लेम पे रखिए और बीच बीच में हिलाते रहिए। तो ये देखिए अभी हमारा दूध आधे से आधा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनीगर। मगर विनीगर हमें 2 चम्मच पानी में 1 चम्मच विनीगर हमें मिक्स करना है और फिर डालना है। थोड़ा दानेदार अभी हमें बनाना है, इसी के लिए हम विनीगर का यूज़ करेंगे। हम अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप सेट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 2 चुटकी सिर्फ लेना है और आपको 2 चम्मच पानी में मिक्स करके डालना है। तो ये देखिए हमने 1 चम्मच विनीगर लिया है और 2 चम्मच इसमें पानी लिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे, ये देखिए। इसे अच्छे से हिलाना है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे दूध में डालना है। चलिए डालते हैं, ये देखिए हम आहिस्ता आहिस्ता अभी विनीगर डालेंगे, हमारा 1 चम्मच विनीगर और 2 चम्मच पानी। बिस्मिल्लाह, तो ये विनीगर डालने के बाद कुछ इस तरह से हुआ। ये देखिए हल्के हल्के दाने से फटा है। हमको ज़्यादा विनीगर डालेंगे तो ये ज़्यादा फट जाएगा। हमको ज़्यादा दानेदार नहीं चाहिए, बारीक बारीक दानेदार चाहिए। इसके लिए हमने बस 1 चम्मच विनीगर का ही यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे 300 ग्राम शक्कर। ये देखिए 300 ग्राम शक्कर है, आप 350 ग्राम भी डाल सकते हैं। मैंने अपने घर के हिसाब से 300 ग्राम ही डालूंगी सिर्फ। 350 ग्राम से ज़रा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आप मीठा खाते हैं तो 350 ग्राम डालिए, मैं 300 ग्राम डालूंगी। बिस्मिल्लाह, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेप पे आपको एकदम धीमी आंच पे इसे पकाना है। ये देखिए हमारा अच्छे से पक रहा है, अभी और 5 मिनट है। ये माशाल्लाह हमारा पक चुका है। देखिए मिल्क केक एकदम रेडी है बाउल में निकालने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अगर आपके पास देसी घी है तो माशाल्लाह, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे पास अभी देसी घी नहीं है, तो मैं इसमें घर का ही ऐसे घी डालूंगी, दुकान का। 1 चम्मच डाल दी हूँ। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, ये देखिए माशाल्लाह हमारा मिल्क केक रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं बाउल में। हमें जिस बाउल में निकालना है, उससे पहले घी से हमने घी लगा लिया है। अब हम इसे गरम गरम ही उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे इस बाउल में माशाल्लाह सेट कर लिया है। देखिए सेम होटल जैसी बनी है ये, सेम होटल जैसी। अभी इसे हम 3 से 4 घंटे ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर टाइट ढक्कन रख के। या अपना रंग भी बदल देगा, देखिए हल्का ब्राउन भी हो गया है इसका शक्कर डालने के बाद। अच्छे से पकने के बाद देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहा है, सेम होटल जैसा बना है माशाल्लाह। तो आप भी बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये देखिए 4 घंटों के बाद हमारा मिल्क केक कितना माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा बना है। इसने अपना कलर माशाल्लाह बिल्कुल से चेंज कर दिया है। ये खाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेस्ट बना है, आप भी ज़रूर बनाइए। ये देखिए इसे अभी काट लेती हूँ मैं। आपको दिखाती हूँ मैं निकाल के भी।
इसके पीसेस कर लेती हूँ। ये रहे हमारे मिल्क केक के पीसेस, माशाल्लाह देखिए कितने बेस्ट बने हैं। मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही डाली थी उसमें, ये देखिए माशाल्लाह कितने बेस्ट बने हैं। आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए बहुत ही खाने में भी बहुत माशाल्लाह टेस्टी बने हैं, आप भी ज़रूर बनाइए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।